स्वर्गत उद्योगपति रतन टाटा शव को झुणी खाई थांते गधिया और सगुणा जो कथा शुणे भांगे पड़े शांतनु नायडू बदलला शवदाह प्रथा गत दुई दिन तले मुंबईर ब्रिज कांडी हस्पिटाल भारतर जड़ाशुणा शिल्पपति रतन टाटा देहांत होता। रतन टाटा किछुदिन दिन बार्धक्य जनित रोग से पीड़ित थे और लगातार चिकित्सित होते परे परलोक खबर शुणी सारा देश स्तब्ध हो जाता बेले शवदाह प्रथा और परंपरा को नहीं समस्ते हो जाते आश्चर्य कारण रतन टाटा नथिले हिंदू से थिले पारसी धर्मर तबे जेतेबेले छाई भली रहुतिबा शांतनु नायडू सुनिबा को पाइले जे रतन टाटा शव को सागुणा और गधिया झुणी खाइबे एही कथा सुनी से भांगी पड़िले एवं एहा परे परे ही तुरंत बदलिला शवदाहर प्रथा। पारसी समाज परंपरा अनुसार प्रार्थना करागला सत किंतु इलेक्ट्रिक अग्निदाह रतन टाटा पार्थिव शरीर को संस्कार करा जाए छे। तबे आसंतु जानिबा काहेकि रतन टाटा शव को सागुणा और गधिया झुणी खाई थांते। हिंदू समाज रे आमे शव को चाली थाओ। इस्लाम और ईसाई माने मृत शरीर को माटी रे पोती थांते किंतु पारसी धर्म रे अंतिम संस्कार परंपरा संपूर्ण भिन्न। पारसी समाज मृतदेह को सेमिति खोला छाड़ी दिंते अर्थात शव को आकाश को दान कर दिंते। भारतर विशिष्ट शिल्पपति रतन टाटा भी पारसी परिवार आसी किंतु अंतिम संस्कार पारसी नीतिकांति है मुंबईर बल्लीर इलेक्ट्रिक अग्निदाह रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।